हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मेडिकल लैब टेस्टिंग नॉलेज में। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो के अंदर जो डिस्कस करने वाले हैं वो एचआईवी के जो सिम्टम होते हैं ना, इसके लक्षण क्या क्या होते हैं, इसके बारे में फ्रेंड्स आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग भी होगा और नॉलेजेबल भी होगा, तो फ्रेंड्स वीडियो को आखिर तक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, और फ्रेंड्स जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने जो पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि एचआईवी क्या होता है और एड्स क्या होता है। एचआईवी मतलब ह्यूमन इम्यून इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। और फ्रेंड्स एड्स जो होता है, एड्स होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि ये दोनों अलग अलग होते हैं, यानी कि जो एचआईवी होता है फ्रेंड्स ये एक वायरस होता है, और जो एड्स होता है ना ये एक डिजीज होती है, यानी कि जब काफी ज्यादा गंभीर रूप ले लेता है एचआईवी तब वो एड्स में कन्वर्ट हो जाता है। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं यहाँ पर कि अर्ली जो स्टार्टिंग में जो सिम्टम इसके महसूस होते हैं या जो सिम्टम सामने आते हैं वो कौन कौन से सिम्टम होते हैं, आज हम इस वीडियो के अंदर यही बात करने वाले हैं, तो प्लीज वीडियो को आखिर तक देखिएगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर कि जो हमारा एचआईवी में ना, एचआईवी में जो सिम्टम आते हैं ये दो टाइप से होते हैं, एक तो होता है फ्रेंड्स एक्यूट एचआईवी और दूसरे होते हैं क्रॉनिक एचआईवी सिम्टम। तो पहले हम बात करते हैं यहाँ पर एक्यूट एचआईवी की कि एक्यूट में क्या सिम्टम आते हैं। फ्रेंड्स एचआईवी से इन्फेक्टेड कुछ लोगों में वायरस के शरीर में प्रवेश होने या एंटर होने के लगभग 2 से 4 वीक्स के भीतर फ्लू जैसी बीमारी विकसित हो सकती है या हो जाती है, ठीक है। एक्यूट एचआईवी इन्फेक्शन के रूप में जानी जाने वाली डिजीज कुछ सप्ताह तक रह सकती है। इसके कुछ जो सिम्टम है वो कुछ इस टाइप से हैं, जैसे कि पेशेंट को फीवर आना, सिर दर्द, ठीक है, मांसपेशियां जो हमारी मसल्स हैं उनमें पेन होना, जॉइंट्स पेन होना, ठीक है, रैसेस गले में, खराश टाइप से, दर्दनाक मतलब कुछ मुंह के अंदर छाले पड़ जाना, सूजी हुई लिम्फ नोड्स जो हमारी लिम्फ नोड्स हैं उनके अंदर स्वेलिंग आ जाती है, और मुख्य रूप से हमारी गर्दन पर, ठीक है। पेशेंट को दस्त भी लग सकते हैं, वजन का कम हो जाना अचानक से एकदम, खांसी रहना और रात में पसीना आना। तो ये कुछ कॉमन इसके सिम्टम है जो सबसे पहले एक्यूट एचआईवी के अंदर सामने आते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब आगे हम बात करें कि जो मैंने लक्षण बताए हैं तो ये ऐसे सिम्टम है कि कई बार क्या है ना, आदमी ने नोटिस भी नहीं कर पाता, यानी कि जो पर्सन है या जो पेशेंट है वो इन इन लक्षणों को नोटिस भी नहीं कर पाता है। हालांकि इस समय आपके ब्लड स्ट्रीम के अंदर ये वायरस काफी तेजी से या काफी अधिक मात्रा में फैल चुका होता है, ठीक है। ब्लड स्ट्रीम होता है हमारे ब्लड के अंदर मिक्स हो जाता है, क्योंकि जो एचआईवी का वायरस है ना ये बहुत तेजी से फ्रेंड्स ग्रो करता है, यानी कि ये आरएनए बेस होता है और ये ना कॉपी पे कॉपी बनाता चला जाता है, जैसे कि डीएनए और आरएनए जो होते हैं तो ये आरएनए बेस रहता है। अब बात करें फ्रेंड्स हम यहाँ पर कि जो एचआईवी है इसके क्रॉनिक सिम्टम क्या होते हैं, तो फिर इसके सिम्टम की जैसा कि वायरस आपकी इम्यून सेल्स को ये नष्ट करना जारी रखता है, यानी कि जो ये वायरस होता है ना एचआईवी का, ये हमारी जो इम्यून सेल्स होती है ना तो ये उन पर सीधा अटैक करता है, जो हमारी CD4 सेल्स होती है, CD4 की टी सेल्स होती है ना उनको ये सबसे ज्यादा मतलब नष्ट करता है एक तरीके से। CD4 जो सेल्स होती है हमारी इम्यून सेल्स होती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसके अंदर जो कुछ सिम्टम्स मैं यहाँ पे बात करूँ तो लगभग जो हमारे एक्यूट वाले सिम्टम थे लगभग वही सेम ही सिम्टम होते हैं यहाँ पर भी, जैसे कि फीवर आना, थकान महसूस होना, लिम्फ नोड्स के अंदर स्वेलिंग आ जाना, दस्त लगना, अचानक से किसी पर्सन का वजन डिवाइडेड घटता रहना, घट जाना मतलब, ठीक है। और इसमें एक ऐड हो जाता है फ्रेंड्स हर्पीस जोस्टर, और एक इसके अंदर निमोनिया। तो इस तरह के जो सिम्टम आते हैं ये हमारे क्रॉनिक एचआईवी के अंदर फ्रेंड्स आते हैं। तो फ्रेंड्स अगर किसी ने मेरा जो पुराना वीडियो मैंने बनाया था उससे पहले कि एचआईवी क्या है, तो अगर किसी ने वो नहीं देखा है तो प्लीज एक बार उस वीडियो को भी आप जाके देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है, तो आप वहां से भी जाके एक बार विजिट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स हम आगे इसकी एक वीडियो बनाएंगे अभी कि एचआईवी की स्टेज कौन कौन सी होती है, क्योंकि जैसे कि नाम आपने सुना होगा कि एचआईवी में कुछ स्टेज टाइप से होती है, तो वो कौन कौन सी स्टेज होती है, तो वो फ्रेंड्स वीडियो बहुत जल्दी आपको देखने को मिल जाएगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।